वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसा करते हैं ना, मेरी मेहंदी सुंदर है ना। हेलो गाइस, तो हम निकल रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स। बीच में कहीं पहुंच चुके हैं। या सो हम अभी सराय बहादुरगढ़ आए हैं और यहाँ पे सुना है कि बहुत अच्छा खाना मिलता है। तो बाकी का आगे कंटिन्यू मैं करता हूँ। तो हम सुबह चल लेते चंडीगढ़ से, तो सबको पिक किया मैंने और हम अब एक हमारा स्टॉप है रेस्ट का, तो बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। प्लेस बहुत अच्छा है, बाकी देख ही सकते हैं। तो गाइस देखो पार्किंग एरिया और ये एंट्रेंस है, आप एंट्रेंस देख सकते हो कितनी अच्छी है। तो ये हमारी टीम और देखो यहाँ पे नो आउटसाइड फूड अलाउड, ये तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी है एक ग्रीनरी। पार्टी करनी हो तो एक है, मतलब कि तो एक विंटर में ये बहुत अच्छी लोकेशन है, बाहर बैठ के फैमिली पिकनिक मनाने की। तो ये बाकी हमारे साथ जुड़े रहे और हम आपको आगे नेक्स्ट एक ब्लॉग दिखाएंगे आपको, सरप्राइज आपके लिए। एक हम एक अच्छी डेस्टिनेशन जा रहे हैं, आप आज तक शायद आपने भी नहीं देखी होगी, एक प्रॉपर वेडिंग होगा, कौन से कल्चर का होगा वो आपको बताएंगे हम अभी धीरे। तो आप जुड़े रहे हमारे साथ ट्रैवलर। सो गाइस हमारा खाना हो चुका है और हम लोगों ने ऑर्डर किया ऐसे करके, थोड़ा सा मेरी मेहंदी सुंदर है ना। बीच में ब्लूपर्स भी डालते हैं। हाय गाइस, तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो चुका है, हम लोगों ने मेरी मेहंदी सुंदर है ना। तो अभी हम बस निकल रहे हैं, 10 बजे हमने यहीं बजा दिए, पता नहीं हम कब पहुंचेंगे। रब रखा है, पनीर पराठा खाया, आलू पूरी खाया है, मेघा ने भर भर के खा लिया, भर भर के निकाल लेंगे मारे के ऊपर। और ये सेशन भी हम शूट करेंगे सारा, डोंट वरी। सो लेट्स मीट अगेन, बाय। हेलो गाइस, तो अब हम निकल रहे हैं नेक्स्ट स्टॉप के लिए। तो फिर बेबी पार्टी कैसी रही गाइस? बहुत अच्छी थी, मतलब इतना ही अच्छा आपका बेबी निकले। और अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप वो भी एक सरप्राइज होगा मेरी तरफ से। तो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट लोकेशन के लिए, बाकी अपडेट मिलती रहेगी। जल्दी हम हिमाचल एंटर कर जाएंगे, तो फिर आपको बताते हैं, आपको अपडेट देते हैं। हाँ, फिर आपको अपडेट के बाकी आपको ऑन द टोल टैक्स जो भी कोविड गाइडलाइंस होती है उसके बारे में हम बताते रहेंगे कि क्या फॉलोअप कर रही है हिमाचल गवर्नमेंट्स। तो बाकी जो नेक्स्ट ट्रैवलर आ रहे हैं ताकि उनको कोई परेशानी ना हो, बाकी हमारे पास कंटेंट राइटर मानिक जी हैं। ठीक है, कहते मानिक को भी दिखाओ वीडियो में। सॉरी मानिक को हमने दवाई दे दी है। सो हाय गाइस, ये देखिए पहाड़ आ चुके हैं। ऐसा कि हमें मानिक ने अलर्ट दे दिया है, हमने गोली खा, मेघा ने गोली खा ली है, उल्टी वॉमिटिंग्स वाली है, एज रेकमेंड बाय आशिमा। एंड ऑल्सो अभी बस हमारा सीधा मेन डेस्टिनेशन होगा शीतल का घर, बस होपफुली अब हम वहाँ। हिमाचल में वैसे गूगल मैप्स कभी कामयाब नहीं रहते, एक दिन मैं भी गूगल मैप लगा के जा रहा था तो आगे खा ही आ गई थी। तो देखो बेशक गाड़ी मंजीत चला रहे हैं लेकिन मैंटली स्टीयरिंग व्हील जो है मानिक के हाथ दिया हुआ है हमने। सो मानिक के बहुत हमने बड़ा रिस्क लिया हुआ है, मतलब कि सभी ने घर पे फोन कर दिया कि मतलब कि हमने अपनी जान एक मानिक के हाथ में ड्राइवर के हाथ में दे दी है, बट कोइंसिडेंटली वो नहीं चला रहा। तो शिल्पा मैं आपको इन्फॉर्म कर देना कि अगर हम नहीं पहुंचते कल तक वापस तो मानिक जिम्मेवार है उस चीज का। तो लाइक दिस इज जस्ट लाइक मतलब एक हेड्स अप, या राइट। सो ओके, विल कंटिन्यू लेटर, थैंक यू, बाय। सो गाइज अभी हम नंगल डैम के जो फाटक होता है
सॉरी फॉर द ब्लूपर्स, बट हाँ जो नंगल डैम का फाटक है वहाँ रुके हैं और आप यहाँ से व्यू देख सकते हो, पानी का व्यू, पानी देख सकते हो यहाँ पे पानी पानी। अगर मानिक हमें गलत रास्ता लेके गया तो हम इसको यहीं पे छोड़ जाएंगे। मानिक की शक्ल भी मानिक की खुशी देखो, मानिक ओहो स्टड लौंडा। चलो अभी तक अभी हम बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, ये देख रहे हो आप पानी, आज ब्लू है पानी, ग्रीन है पानी, ग्रीन है ना, ये तो ब्लू कहां है, नहीं ब्लू है, ब्लू ही है यार, सी ग्रीन ब्लू पानी है भाई, ब्लू पानी है, ये पॉन्ग लेक नहीं है, ये हमारी पंजाबी लेक है। सो या इट्स नाइस एंड ओके, वी विल कंटिन्यू लेटर, थैंक यू बाय। अभी हमारा घूमने घुमाने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है, बस अभी हम वीडियोस बनाएंगे, चल रहा हूँ और टेक इसलिए भी कर रहा क्योंकि मेरे पास पेशेंट पेशेंट बन जाएंगे। अभी वो नॉर्मल है, अभी वो पेशेंट नहीं है, अभी वो एक मुसाफिर है, तो मैं उन्हें पेशेंट, थोड़ी देर में वो पेशेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो ये ट्राई लोग नहीं होते हैं। So Megha, how are you feeling right now? Normal. Normal? Yes. Whenever you feel, please alarm us. So guys, हम मतलब बीच में कहीं पहुंच चुके हैं, close to like our destination. कितना time लगा हमारा पहुंचने में? अभी एक घंटा और लगेगा और हम पहुंच जाएंगे। हाँ, हमारे ड्राइवर साहब ड्राइव कर रहे हैं, हमारे ड्राइवर बहुत अच्छे से ड्राइव कर रहे हैं, मनजीत एकदम स्मूथली मेघा को अभी तक कुछ नहीं हुआ है, शी इज फाइन, थैंक्स टू आशिमा एंड आवर ड्राइवर। यहाँ का मौसम देख के हमने अपने मन को ऑसम कर लिया, यहाँ पे रुकने का प्लान बन रहा है, बाकी मना कर रहे थे, मैंने बोला कि रुकते हैं, वेन्यू होगा ये हमारा डेस्टिनेशन है, वो डेस्टिनेशन पहुंच जाएंगे, टाइम है, टाइम है अभी तो घूमने को। आप क्या कहते हो? मैं पार्शली मंजीत सर के साथ सहमत करती हूँ, और ऑब्वियसली हमारा थोड़ा लाइक दीन ईमान ऐसे ऐसे हो रहा है, कहाँ जाए कहाँ आ जाए, रुक जाए कि आगे चले, जगह बहुत बढ़िया है, हमने पीछे पड़ा मंडी समथिंग किलोमीटर, मीन्स ये रास्ता मंडी भी निकलता है, मंडी के आगे आपको पता ही है क्या, अगर हम ठीक ठाक रहे हम आगे भी निकल सकते हैं, बिल्कुल सही बात, मैं तो क्या ही बोलूं, जहाँ पे खाना उधर माने। सही बात है, ये लोकेशन बहुत ही अच्छी है, जैसे कि आप देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, देख रहे हैं सूरज को, देख बहुत ही अच्छी लोकेशन है, एयर भी एकदम फ्रेश है, आपने सांस लेके देखा, लो जरा लंबी, टेक अ डीप ब्रेथ इन, ये आपको जरूरत है ऐसे डीप ब्रेथ लेने की, करो दिखाओ पेट करो अंदर, ये तो पहले से करो मानिक अपना अंदर, तुम्हारा 250 ग्राम कम हुआ क्या, नहीं नहीं तो हम हो गया, कब हुआ, मैंने थोड़ा पैदल चला था, आज सुबह कितना खाया, फिर आज सुबह मैंने पनीर के परांठे खाए हैं सराय पे, मजा आ गया परांठे खाके, दो तीन बाइट्स आपके पूरियों के ले लिए थे हम, और मनजीत सर ने मुझे थोड़ी टिक्की भी खिलाई थी, मैंने कब खाया अपना, आलू पूरी बहुत अच्छी थी, हाँ भाजी सबसे ज्यादा टेस्टी थी, भाजी सबसे ज्यादा टेस्टी थी। हेलो गाइस, हम थोड़ा सा टहलने आए थे यहाँ पे, आप देख सकते हो कितना अच्छा शीतल हवा चल रही है, नेचर एकदम शीतल, मैम के घर में शीतल हवा चलती हुई,
और मैं रस्ते से अब मुझे चढ़ने में थोड़ी डिफिकल्टी थी पर उतरने में नहीं है, उतरने में मैं बहुत मजे से उतर रहा हूँ। रास्ता देखिए, नेचुरल कड़ी पत्ता देख लो, ले चलते कड़ी पत्ता। पोहा बनाने में बहुत हेल्प आता है, पोहा मुझे खरीदना पड़ता है। स्मेल यहाँ तक आ रही है, बिल्कुल फ्रेश एयर का, फ्रेश एयर। आप सोच मिस पूजा भी चल रही है, सोम का आनंद ले सकते हैं आप। सोम का नाम हमें पता नहीं है, मंजीत सर आपको बता सकते हैं। एक्चुअली इसके गाने इतने आ चुके हैं तो अभी आवाज कम आ रही है, बट ये एलोवेरा क्या ये कितना बड़ा बड़ा है ना, पहाड़ी एलोवेरा कैक्टस है भाई, ये कैक्टस है, एलोवेरा है ना, एलोवेरा ये यहाँ तक आ रहा था नीचे देखो। मेरे घर के बाहर भी बहुत लगे होते हैं, मैं भी एक हिमाचली हूँ। बट आपको प्योर मैचुरल नहीं बोलते, मिक्स ब्रीड बोलेंगे हम, मिक्स ब्रीड है, थोड़ा हमारा पंजाब का इन्फ्लुएंस रहता है हमेशा ही। हाँ ये भी है, सबसे अच्छी बात है ये रोड, जैसे क्या अच्छी बात है बताएं आप इसके बारे में। देखिए कितना अच्छा व्यू दिख रहा है, नींबू भी आप दिखाओ यहाँ पर, नींबू दिखाइए, नींबू है ये गलगल, पंजाब में इसको गलगल बोल देते हैं। इसका हम हमारे हिमाचल में इसका किम्बू बना के खाया जाता है, जब भी जुकाम या सर्दी होती है बहुत हेल्पफुल रहता है। तो वो भी गलगल है उस, नहीं सर वो कुछ और है ना, वो ग्रीन सा, मैं फोकस कर रहा था इस पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नींबू है, नींबू है ये, इतना बड़ा नींबू किसी ने देखा है? ये ऑर्गेनिक नींबू, साइज देखो, साइज देख सकते हो बहुत ही, तुम्हारे 20 रुपए के जो चार वाले हैं उनसे तो हिमाचली है ना, ये नहीं पता था तो हम थोड़े से पंजाब से फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो सर ने पता लगाया, बता रहे हैं आपको कि दैट्स फॉर प्लांटिंग का बहुत शौक है। बिल्कुल नहीं, मुझे प्लांट, मेरे को गार्डनिंग करे बहुत टाइम हो गया है, सकते हो बहुत ही, तुम्हारे 20 रुपए के जो चार वाले हैं उनसे तो हिमाचली है ना, ये नहीं पता था तो हम थोड़े से पंजाब से फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो सर ने पता लगाया कि दैट्स फॉर प्लांटिंग का बहुत शौक है। बिल्कुल नहीं, मुझे प्लांट में को गार्डनिंग करे बहुत टाइम हो गया है, सो गाइस थोड़ा सा हो जाता है, क्या करूं। इट्स ओके, कपड़े को कहां पे थे इसको बना सकते हैं, आई एम फिनिश्ड। उसको वो क्या कहते हैं, उसको कुछ कहते हैं, वो मेरे को नाम भूल गया, उसको कुत्ता कुत्ता दिखा दो। यहां पे पहाड़ों में आप लोग देख सकते हैं कितने हेल्दी होते हैं, इसने इन्हें बहुत डर लग रहा, शेरपा वाली जैकेट पहनी हुई है जिसने, इसके बाल हैं, ये कलम भी वही है, लेट मी फाइंड। अब हम कलम ढूंढ रहे हैं, इस नींबू की ये गुलाब, नेचुरल गुलाब, ये गुलाब है, ये देखिए आप, ये टैनिंग गुलाब की है। अच्छा सच्ची में? हाँ गुलाब की है, सर को पूरा एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं सर। ये वो है ना जो हम अभी काट काट के खा रहे थे कोविड के टाइम? नहीं 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 नहीं, क्या बोलते उसको वैसे? ये तो हमारे पहाड़ ग्रेन वाला, सर ये एक पत्ता है। अच्छा वाह वाह वाह, ये एक पत्ता है, समर में और अप्रैल और जून के मंथ में बेरीज। हाँ जी सर, जैसे पंजाब में तूतियां बोलते हैं। हाँ मेरे को याद आ रहा था, ये तूतियां का पेड़ है। यस, मुझे थोड़ा भूल गया था, बहुत टाइम गया हो गया मुझे हिमाचल आए। नो प्रॉब्लम, सो जैसे कि आपने बताया कलम लेके जा रहे हैं मालिक, चलो जो मैम घूमते घूमते देख रहे थे कि ये पानी हुआ है और मतलब की नॉर्मल साइज में ये जो प्लेन जगह मिलता है उसका कहीं 5 टाइम नींबू साइज है, एक नींबू का उसका 5 टाइम जाएगी, तो आराम से 4 टाइम लोगों नींबू मिल जाएगा, तो इसकी कलम बहुत ही रेयर मिलती है, चलते चलते हमें मिलती, तो अभी देखते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट मिल जाए ताकि कलम काट सके। हाँ तो फिर हम इसे उगाएंगे। ठीक है ठीक है, चलो। आई थिंक मेरे पास कुछ है, है तुम्हारे पास क्या? देख रहा यार हमें काफी देर हो गई है इसको देखते हुए, हमें कुछ मिल नहीं रहा। फाइनली सोने पे सुहागे वाली बात हो गई है, हम पता ढूंढते हैं, हमें प्रॉपर कट मिल चुका है, तो हम इसी कलम काटेंगे, इसी कलम। बिल्कुल बिल्कुल, जाके वहाँ पे पंजाब में उगाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद के रिजल्ट्स ना मंजीत सर आपको बता देंगे कि ये जो नेचुरल नींबू है वहां पर किस तरह से इसका बिहेव होता है, मतलब वैसे ही इतनी ही बड़ी नींबू निकल कर आएगी कि नहीं, ये सब मंजीत सर बताएंगे आपको। क्या इसकी प्रोडक्शन वैसे ही रहती है जो नेचुरली ये इतना बड़ा है? तो देख रहे हो ये ग्रीन है, तो इसको थोड़ा सा ये देख रहे, ये कलम एक अच्छी है, और इसको एक अमर बेल होती है, इसमें लपेटा हुआ इसको,
तो इसको हम यहाँ से काट सकते हैं ताकि इसकी दो तीन कलम बन जाए। इस अमर बेल को भी आप ले सकते हैं अमर होने के लिए। कांटे होते हैं, पहाड़ी है ना, इसलिए थोड़ा ध्यान से हमें करना पड़ता है। और यहाँ पे हमारा मिशन सक्सेसफुल होता हुआ। इसे हम कलम कहते हैं, इसे हम कलम कहते हैं। सो कलम से स्पेसिफिकली नींबू की नहीं होती, हर एक चीज की कलम होती है। तो हम एक कलम है, इसको हम दो एक दो निकाल देंगे ताकि अगर एक खराब हो जाए। अच्छा, सर हाँ मंजी सर, आप उसकी भी लेना चाहेंगे कलम? इसकी रोज की उसका देखना पड़ेगा हमें, नेचुरल रोज। इसको लगाने के बाद सर आप इसकी रोज की उसका देखना पड़ेगा हमें, नेचुरल रोज। इसको लगाने के बाद सर आप मैम को गिफ्ट कर सकते हो, फ्लावर्स से पहला कभी आएगा। देखो हम आए थे शादी करने, पर नेचर आनंद मानते हुए हमें एक चीज मिली, तो उस कुदरत को हमें फैलाना चाहिए। बिल्कुल सही। आगे से मैं एक चीज रखूंगा गाड़ी में, कटर रखूंगा। इस नींबू का सेम साइज आता है पंजाब में जाकर भी, ये एपिसोड हम आपको बाद में बताएंगे। मंजी सर के घर तब तक ले भाई। फाइनली हम डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं, बट अपडेट हम थोड़ी देर बाद कर रहे हैं। एक्चुअली क्या हुआ, हम पहुंचे तो खाना सर्व हो रहा था जिसे हिमाचल में धाम बोलते हैं। अभी हमने धाम खा पी के और गर्ल्स तैयार हो रही हैं, और बाकी ये शीतल का घर है। तो आप देख सकते हो मेरी बैक साइड पूरा अच्छा अरेंजमेंट हो रखा है। और अगर मैं इधर दिखाऊं, सारी जंगल, खाई, पहाड़ियाँ, ये बहुत अच्छा व्यू है। ये आपने सबने मिस किया है, मतलब कि देखो बस मैं तो गुनगा रहा हूँ शीतल का जिसने ये चीज़ दिखाई। एक हिमाचल ट्रेंड की मैरिज, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है धाम खा के नीचे बैठ के। अमेजिंग, मतलब अभी लग रहा है बेस्ट फूड अभी एवर हैड इन एंटायर लाइफ। सो गुड, या ब्यूटीफुल। यहाँ की वीडियो भी बनाएंगे। फिर भी तूने देखे, थैंक यू शीतल सो मच। तो देखो लोगों, शीतल कैसी लग रही है। शीतल अभी तैयार होगी, ये तो जस्ट एक रसम से आ रही है। अब नेक्स्ट रसम के लिए देखिए यहाँ पे। हाय रितु मैम ने स्पेशल मेकअप लगाया है फोटो यार, मेरे पैर के देखो कितने थोड़ी है। और ये मंडप देख लो, और शीतल का घर देख लो, इसका घर बहुत सुंदर है। और बैठे लोग हैं अभी बस हमारे ड्राइविंग करके थक चुके हैं, खा पी लिए दाम, पर दाम ने हमारे दाम लगा दिए। क्या कहें, मैं ठीक ठाक पहुंच गई, मुझे कुछ नहीं हुआ, एकदम सही। अब मेरे जो कैमरा नहीं आ रहा है, सराय बर्गर में ज्यादा खाया था वो, ज्यादा निकले, ज्यादा निकल दिया मैंने सारा। हम दुआ करेंगे जो अभी धाम में खाया वो ना निकले वापस जाते हुए, अदरवाइज एवरीथिंग इज फाइन। चिल मोड।
आप यहाँ पे मंडप ये मंडप थोड़ी ना मंडप ही है सो गाइस या लाइक गिव इट टू मी ओके वैसे ये व्लॉग का काम लगता है बट वो आदमी पाई कर रहे हैं किसी रीजन की वजह से तो हम ये व्लॉग बना रहे हैं तो प्लीज आप ये व्लॉग जरूर देखना सॉरी फॉर द ब्लूपर्स एवरीथिंग इज फाइन नाउ और हम आपको कंटिन्यू करेंगे और वेडिंग वीडियोस दिखाएंगे ओके गाइस बाय हिमाचल का फेवरेट डिशेस डेजर्ट जो कि आम में सर्व किया जाता है इसको मीठा सलाद बोलते हैं अब पांचवी बार खा इतना यम्मी है स्पेशल मंगाया बाउल में पहले नीचे बैठ के खाया था दाम के साथ अब स्पेशल बाउल में मंगाया इतना यम्मी है दिल कर रहा है पैक करके इसमें खाते भी नमस्कार सबको जैसा कि ब्लॉग में आपका फिर तौर से स्वागत है तो ये मेरे स्वागत में मुझे ये माला पहनाई गई है कहते हैं कि आपको कोई भी लड़की पसंद आती है हम उसको रिवॉर्ड कर सकते हो मतलब कि उसी को दोबारा से पहना सकते हैं तो आप ये ऐसी सी माला पहना दोगे आप उस लड़की को नहीं पहले वो लड़की कौन है लड़की कौन है अभी आएगी है बराती आ अच्छा बराती में से सिलेक्ट करोगे आप अपनी लड़की दे रहे हैं ना बदले में अच्छा तो आप एक तो आप बारात मंडी से आ रही है तो आप मंडी की लड़की को चूज करना चाहोगे लाइक मैंने सुना वैसे मंडी लड़की बहुत तेज होती है इसकी तरह फिर कोई बात नहीं अगर सब्जी की तरह भेज देगी तो फिर शुभम को दे देंगे का तो घर बसे शुभम तू भी आना और कुछ कहना चाहेंगे आप और कुछ नहीं कहना चाहेंगे डीजे लगने वाला है डीजे लग चुका है स्टेज सज चुका है बारात आने वाली है और मानिक भी लड़की देखने के लिए रेडी है कमिटेड होकर आऊंगा इंशाल्लाह बस कला सोने तीजे उंगले च तेरा छन्ना सोने सारिया तो सोनी फोटो नहीं वीडियो बना रहा हूं हंसो
ਜਾਣੇ ਬਸ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ 100 ਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। नमस्कार, इसकी फैमिली शक्ल तो दिखे। तो हमने शादी अटेंड कर लिया और हम वापस आ रहे हैं चंडीगढ़ को। तो सब बहुत सारा थक गए हैं। तो मेरी तो एनर्जी रहती है आपको हमेशा, आपको पता है क्या आपकी तारीफ करूँ। पकड़ा गया, पकड़ा गया। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मेरा बहुत मस्त एक्सपीरियंस रहा। पता है मैंने दुनिया का सबसे अच्छा खाना खा कर आया हूँ। मानिक का ब्रेकअप हो गया वहाँ पे, मानिक का नहीं। अरे यार, जो मेरी माला है मैंने अपनी शुभम को सौंप दी थी। शुभम का भी वही रीजन निकला जो मेरा निकला। क्या रीजन है बता दे। तू भी तो अभी वो है ना बैचलर। शुभम कह रहा है वो अकेला ही खुश है, कोई बात नहीं। हेलो फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, तो हम होटल सागर व्यू में आ गए डिनर करने के लिए। और आप देख सकते हो कि हमारा मेकअप भी नहीं उतरा अभी। वो लाइट में दिखेगा ना, उधर उधर फेस करो हमारा। हमारा मेकअप भी नहीं उतरा है अभी, मैंने किया था। और या मेगा का मेकअप, और जो मैंने एज पर मेन्यू बताया था कि एक जाते टाइम पार्टी होगी, आते टाइम आप लोगों ने दो पार्टी मिस करी। दो पार्टियां मिस करी आपने, मंजीत सर ने दे रहे हैं। अब देखो ये मैंने पहले बोला, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। मन कर दो। नहीं नहीं, और क्या कहते हैं, अब हम बस लास्ट हमारा ये डिनर स्पॉट है, उसके बाद हम सीधा घर जाएंगे। और मेकअप भी ज्यादा ज्यादा सुंदर से लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ तो, और सच बताया तो मेकअप भी हमारा है नहीं वैसे। वो भी हमने ब्लॉगर से ही लिया है। सो इट्स ओके, एंड सी द एम्बियंस इज सो गुड, सो पीसफुल। ओके गाइस, सो आई थिंक दिस इज आवर लास्ट वीडियो क्लिप, सो मिलते हैं फिर। बाय मैं भी, बाय बाय। क्या हो रहा है इस टाइम हो रहा है, 10 बजने वाले हैं। तुम इस लौंडे की एक्टिव देखो, एक्टिव कितना है ये लड़का, ये देखो। अभी इससे 10 उठे बैठे करा लो, ये अभी कर देगा। हाँ मेरा ड्राइविंग अच्छी करने का रीजन क्या है मानिक? थकने दे रहे। और एक हमारा है डीजे बाबू, द बेस्ट कॉम्बो, डीजे बाबू। थैंक यू डीजे बाबू, मेरा गाना चला। और इस सफर में एक खास पेशेंट मुसाफिर है, माइलस्टोन, नॉट पेशेंट, अभी मुसाफिर है, वो पेशेंट बने नहीं है। अभी तक इनको मैंने हल्की सी भी क्रोच नहीं आने दी। बहुत अच्छी ड्राइविंग करी है, मुसाफिर को मुसाफिर नहीं दिया। हाँ, मुसाफिर को पेशेंट नहीं बनने दिया। और ये तिलक शिखर की मम्मा ने किया था, बहुत अच्छा लगा था। हम आपको उसकी फोटोज दिखा उसकी फोटोज दिखाएंगे, उसकी फोटोज, क्योंकि वो लाइट चली गई थी तो हम वीडियो शूट नहीं कर पाए, जस्ट नाइट मोड के थ्रू फोटो क्लिक करिए। बाकी अभी हम डिनर कर रहे हैं, वो मिस्ड। Thank you.
गाइस थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया हमारे प्लानिंग में. एक्चुअली हमें एक अच्छी लोकेशन मिल गई है और जो हमने शीतल की शादी में डांस नहीं किया भाई, हमें अच्छा होटल मिला है, हम एक रिकमेंड करेंगे. बाकी होटल की जानकारी हम ये देंगे हमारे ब्लॉग में. किस रोड पे पड़ता है? ऊना रोड पे. ठीक है, क्या नाम है होटल? तो गाइस जरूर आना यहाँ पे, बहुत ऑसम है. इसका बार बार बहुत अच्छा है. तो हमने तो ये बार देखो, आपको हर बियर ड्रिंक्स सब मिलेगा, मतलब पूरा एंजॉय. अब हमारा जो हमने शादी में मिस किया था ट्रैवलिंग की वजह से कि घर जाना है, पर अब हम एंजॉय यहाँ पे कर रहे हैं. तो लेट्स कंटिन्यू विद सॉन्ग नाउ.
स्माइल बाय मैं भी बाय बाय